स्ट्रांग थी। आज आप हार्दिक पांड्या को देखें, मुझे लग रहा है कि उनके अंदर कुछ जिन्ना आ गया भाई, कि वो विकेट्स पे विकेट्स ले रहे हैं, कभी कंजेक्टिव छक्के लगा देते हैं, कभी कंजेक्टिव तीन विकेट्स ले लेते हैं। भाई कर क्या रहे हैं, हमें भी तो पता चले। उसके बाद हर्षदीप सिंह को देख लें आप, फिर बुमराह हैं, सिराज हैं, मतलब बॉलिंग लाइन अटैकिंग आज बड़ी अच्छी रही है इनकी। एंड मेरे ख्याल में श्रीलंका जैसी सॉरी आयरलैंड जैसी टीम जो पाकिस्तान को एक्सपोज करती है, खुद एक्सपोज होकर बैठी हुई है, तो ये एक बड़ा मार्जिन है भारत का भाई। इंडियन टीम इज एन इंडियन टीम, वो कुछ भी कर सकती है। लेके ये आए इनके बॉलर्स भाई, मुझे लग रहा है कि आगे बड़ी बड़ी जितने भी टीमें आनी है, पाकिस्तान, अफ्रीका, जितनी भी टीमें आनी, सबका मुझे लग रहा है यही हाल होना है। और इंडिया के बॉलर्स तो भाई बड़े टूर्नामेंट आते हैं तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो अलग ही जोश में, अलग ही फॉर्म में आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग आज इन्होंने की, फास्ट बॉलर की अगर बात की जाए बुमराह, सिराज। लेकिन इंडिया हमेशा छोटी टीम को हरा देते हैं और आराम सुकून से हरा देते हैं, यानी कि वन साइडेड होता है हमेशा मैच। आज भी आपने देख लिया वन साइडेड हुआ, कुछ दिन पहले बांग्लादेश से भी हुआ तो वो भी वन साइडेड हुआ। तो इंडिया छोटी टीमों से मैच वन साइडेड ही जीत जाता है, वो पाकिस्तानी टीम नहीं है कि छोटी टीमों से का मैच भी एंड पे लेके जाए। अभी कल पाकिस्तान और अमेरिका गए तो देखिएगा पाकिस्तान मर मर के जीतेगा, जीत जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मैडम? ठीक ठाक। जैसे कि आपको बताया T20 वर्ल्ड कप का आज इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, ऑल टीम बुक की, उसके बाद वन साइड मैच जीत गया, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? देखिए ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया की बॉलिंग हमेशा से स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। मैं आपको याद होगा श्रीलंका के अंदर जब मैचेस थे, उसके एशिया कप का मैच था, तो तब भी बॉलिंग लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। आज आप हार्दिक पांड्या को देखें, मुझे लग रहा है कि उनके अंदर कुछ जिन्ना आ गया भाई, कि वो विकेट्स पे विकेट्स ले रहे हैं, कभी कंजेक्टिव छक्के लगा देते हैं, कभी कंजेक्टिव तीन विकेट्स ले लेते हैं। भाई कर क्या रहे हैं, हमें भी तो पता चले। उसके बाद हर्षदीप सिंह को देख लें आप, फिर बुमराह हैं, सिराज हैं, मतलब बॉलिंग लाइन अटैकिंग आज बड़ी अच्छी रही है इनकी। एंड मेरे ख्याल में श्रीलंका जैसी सॉरी आयरलैंड जैसी टीम जो पाकिस्तान को एक्सपोज करती है, खुद एक्सपोज होकर बैठी हुई है, तो ये एक बड़ा मार्जिन है भारत का भाई। इंडियन टीम इज एन इंडियन टीम, वो कुछ भी कर सकती है जी। इसी तो नहीं देखिए, वन साइड मैच आज इंडिया जीता बहुत आसानी के साथ, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। उन्होंने तो चुटकी बजा के मैच जीत लिया है, आप कह रहे हैं कि आसानी के साथ जीता, उन्होंने बस ऐसे किया ऐसे और मैच उनका उनके हाथ में चला गया। आगे भी देखिए USA, कनाडा, पाकिस्तान है, तो मुझे लग रहा है शायद पाकिस्तान का भी यही हाल ना हो जाए कहीं। मैडम कहते हैं फ्रेश इंप्रेशन इज द लास्ट, फ्रेश इंप्रेशन इतने कमाल के, बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह अच्छा वन साइड मैच जीता और इस तरह आयरलैंड के खिलाफ जिस तरह इंडिया ने मैच जीता, क्या लगता है फिर पाकिस्तान के साथ ही वन साइड होगा या वो इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा? आई डोंट थिंक पाकिस्तान के साथ वन साइड होगा, 50-50 चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम कोई माड़ी टीम नहीं है, आप उसको इतना भी स्लो ना ले भाई साहब, क्योंकि आगे देखने को मिला हमारे पास है मोहम्मद आमिर है, शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, इफ्तिखार चाचा है, ऑलराउंडर हैं भाई। उसके बाद हमारे पास है स्पिनर भी बड़े कमाल के हैं, बट आई थिंक तो कि जो अमेरिकन की पिचेज हैं वो स्पिनिंग स्पोर्टर पिचेज नज़र आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में आई थिंक तो कि पाकिस्तान का मैच ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाकी कनाडा एंड USA से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसको भारत ने कुछ सकने भी नहीं देना। अभी तक तो इंडियन बॉलिंग का कमाल नज़र आ रहा बहुत ज़्यादा, क्या फिर बैटिंग देखने के कितना आप शदीद इंतजार कर रहे हैं? आज एक बॉल भी मिस नहीं किया, सारी बॉल्स देखी हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा फेवरेट हार्दिक पांड्या खेल रहा है और वो शहजादा है यार, आई जस्ट लव हिम, बहुत क्यूट ही है वो एक तो, ठीक है, और मैं उसको हमेशा सपोर्ट करती हूँ। आज बॉलिंग लाइन वाकई बड़ी मजबूत रही है, ऐसी बॉलिंग लाइन हम भी डिजर्व करते हैं कि भाई हमारी बॉलिंग भी हो, क्योंकि हमेशा यही रहा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है बड़ी खतरनाक रहती है, तो सिर्फ नाम की खतरनाक ना हो, ऐसी बॉलिंग काम भी आए, जो ये हम कहना चाहते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे फेवरेट खिलाड़ी आपका कौन सा है? तभी बताया हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, ये वो वगैरह नहीं है? मुझे पांड्या पसंद है। आखिर में क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं इंडियन टीम को आज? ऑल द बेस्ट, इस बार चौक बिल्कुल मत करना और स्ट्रीक्स बनाना आप लोग, और आई थिंक तो फाइनल के अंदर भी आप क्वालिफाई करना और जीत। जैसे कि आपको पता है आज इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच खेला गया, जिस तरह इंडिया ने कमाल की शानदार बॉलिंग करते हुए ऑल टीम बुक कर दी, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? यार इंडिया टीम आपको पता है 2023 वर्ल्ड कप का जो सिचुएशन था वो 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी वही रिदम, वही कॉन्फिडेंस, वही परफॉर्मेंस लेके ये आए। इनके बॉलर्स भाई मुझे लग रहा है कि आगे बड़ी बड़ी जितनी भी टीमें आनी है, पाकिस्तान, अफ्रीका, जितनी भी टीमें आनी, सबका मुझे लग रहा है यही हाल होना है। और इंडिया के बॉलर्स तो भाई बड़े टूर्नामेंट आते हैं तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो अलग ही जोश में, अलग ही फॉर्म में आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग आज इन्होंने की, फास्ट बॉलर की अगर बात की जाए बुमराह, सिराज और उसके क्या हर्षदीप सिंह, तबाही की बॉलिंग यार, आज मैं तो देख के दंग रह गया। उनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि उन्होंने अपने स्पिनर्स भी नहीं खिलाए आधे से ज़्यादा, ठीक है, अगर बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग यार, कमाल की बॉलिंग लाइनअप है, आउटस्टैंडिंग। पांड्या की बात करें, हार्दिक पांड्या तो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, ठीक है, उस बंदे की आप बैटिंग देख लो,
आउटस्टैंडिंग यार, क्या फिनिशर है यार। उसके बाद उस बंदे की बॉलिंग आप देख लो, कमाल की बॉलिंग, मज़ा आ गया आज देख के मैच, कसम से पैसे वसूल हो गए। देखिए कि बड़े आसानी के साथ इंडिया वन साइडेड ही मैच जीत चुका था, कल भी कहा यही जा रहा था कि इंडिया आराम सुकून से मैच जीतेगा, जिस तरह आज इंडिया मैच जीता और पीछे वहाँ मैच देखे बांग्लादेश के साथ जीता और आज T20 का दूसरा मैच सॉरी पहला मैच जीत चुका, तो क्या लगता है इतने आते साथ इतनी अच्छी परफॉर्म दिखा रहे हैं तो आगे पाकिस्तान का और इंडिया का मैच होने जा रहा है, क्या लगता है फिर कौन सी टीम किस टीम को विन करेगी? यार अगर बात की जाए तो इस टाइम परफॉर्मेंस की आपको पता ही है, हम आयरलैंड से हार के आए थे, ठीक है, आज इंडिया ने आयरलैंड को कितने पे बुक किया, इतने लो स्कोर के ऊपर बुक कर दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान की टीम के हालात आपको आपके सामने इस टाइम किस तरह के कि हमारी टीम की फॉर्म चल रही है, तो इस तरह इंडिया की टीम इस टाइम वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन टीम मुझे नज़र आ रही है और लग रही है, कितनी कमाल की टीम है ये, इतनी जेल है टीम, हर टूर्नामेंट आता है तो बस फाइनल सेमीफाइनल में आके पता नहीं इनको क्या हो जाता है और बीट हो जाते हैं। कोई नहीं, इस दफ़ा वो सारा कुछ गलत होगा, इस दफ़ा ही मुझे लग रहा है कि ये अमेरिका के अंदर जो जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं, जिस तरह की स्लो पिच है, तो इधर ये उड़ा देंगे सारी टीम। वर्ल्ड कप फिर कौन लेके जाएगा? वर्ल्ड कप तो इंडिया का ही है इस दफ़ा, आप जो मर्जी कर ले इंडिया वर्ल्ड कप लेके जाएगा आसानी के साथ, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप इंडिया के नाम पे ही आप मुझसे लिखवा के ले लें। जैसे कि आपको पता है आज इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच था, जिस तरह इंडिया ने आज उनकी सारी ऑल टीम बुक कर दी बहुत ही कम स्कोर पर और वन साइडेड मैच जीत गया, क्या कहते हैं उसके ऊपर आप? उसके ऊपर क्या कहना है, पहले तो यही डिसाइड था कि जीतना किसने है, क्योंकि आयरलैंड और इंडिया का मुकाबला तो कोई नहीं, इंडिया पाकिस्तानी टीम तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के बारे में कहा जाता है कि छोटी सी छोटी टीम से हार सकती है, बड़ी सी बड़ी टीम से जीत सकती है, लेकिन इंडिया हमेशा छोटी टीम को हरा देते हैं और आराम सुकून से हरा देते हैं, यानी कि वन साइडेड होता है हमेशा मैच, आज भी आपने देख लिया वन साइडेड हुआ, कुछ दिन पहले बांग्लादेश से भी हुआ तो वो भी वन साइडेड हुआ, तो इंडिया छोटी टीमों से मैच वन साइडेड ही जीत जाता है, वो पाकिस्तानी टीम नहीं है कि छोटी टीमों से का मैच भी एंड पे लेके जाए। अभी कल पाकिस्तान और अमेरिका गए तो देखिएगा पाकिस्तान मर मर के जीतेगा, जीत जाएगा लेकिन मर मर के जीतेगा, कल देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये चीज़ें तजर्बा है, अंदाज़ा है, देख चुके हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल ये होती है, कई बार छोटी टीम से मर मर के जीते हैं और कभी कई बार बड़ी टीम से आसानी से जीत जाती हैं, तो वो कहते हैं ना कि वो ऐसी बंदूक है कि चल गया तो मुखालिफ साइड गया। रीज़न क्या है टीम इंडिया जो है सब टीमों से दिन ब दिन बेहतरीन से बेहतरीन होती जा रही है, अब कई टीमों को पीछे छोड़कर? देखें उनका शौक है, उनकी आवाम का शौक है, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इंडिया वाले, IPL में देख लें कितना काम हो रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं इस चीज़ के, हालांकि हम IPL के मैच कम देखते हैं, ठीक है, और क्या नाम है बाकी भी मैच कम देखते हैं, पाकिस्तान की जो कायद आज़म ट्रॉफी या ये ट्रॉफियाँ ऐसी ट्रॉफियाँ होती हैं हम देखते ही नहीं हैं, लेकिन इन ट्रॉफियों के बारे में मैं इंडियन लोगों के इंटरव्यू सुन चुका हूं, तो देखें जो कायद आज़म ट्रॉफी हो रही है या ये छोटी मोटी ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान में होती है और वहाँ देखी जाती हैं, तो देखें उनका शौक किस दर्जे का है और किस हद तक गए हुए हैं, तो फिर इस तरह वो अपनी टीम के पीछे पड़ते हैं और फिर उनकी टीम परफॉर्म करती है, परफॉर्म बिल्कुल करती है। अब इंडिया इस पाकिस्तान का मैच होना, पीछे आपने देखा 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से हारा, एशिया कप में देखा आपने इंडिया से पाकिस्तान हारा, तो क्या लगता है फिर इस मरतबा भी कुछ अपसेट होगा या टीम इंडिया फिर कुछ कर देगा? देखें 100% कुछ नहीं कह सकते, मैंने बताया ना आपको कि पाकिस्तान वो टीम है जो दुनिया की छोटी सी छोटी टीम से हार सकती है और दुनिया की बड़ी सी बड़ी टीम से जीत सकती है, नो डाउट कि दुनिया अब इंडिया दुनिया की बड़ी टीमों में है, बड़ी टीमों में से शुमार की जाती है, बल्कि अब तो नंबर वन ही बन गई है तकरीबन, तो अब मुश्किल है कि पाकिस्तान उनसे जीत जाए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 100% पलड़ा किसका भारी नज़र आ रहा है आपको? पलड़ा तो सेम वाजे नज़र आ रहा है आपको किसका भारी है, आप पाकिस्तान देखें इंग्लैंड में रोल रोल के आई, आयरलैंड के साथ उन्होंने मर मर के मैच जीते, और इंडिया देखें आयरलैंड का क्या हाल कर गया, तो पलड़ा भारी तो हमेशा से इंडिया का रहता है और हमेशा इंडिया इस चीज़ में मजबूत रहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की टीम है कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मैं फाइनली में आपसे सवाल पूछूंगा, फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे मोस्ट फेवरेट आपका खिलाड़ी कौन सा है? कोहली, विराट कोहली। विराट कोहली
विराट कोहली वो है ना किंग ऑफ क्रिकेट। देखिए बाबर आजम बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है कोहली के मुकाबले का है, लेकिन जो कोहली है ना वो इतना अरसा इतना लंबा अच्छा खेल रहा है। प्लेयर जो होते हैं ना इतना लंबा अच्छा नहीं खेल सकता, फ्लॉप हो जाते हैं। चार साल फ्लॉप हुआ था, लेकिन फिर जब पाकिस्तान के खिलाफ चार साल बाद मैच हुआ तो फिर उसने अच्छा कर दिखाया।